Assalamu alaikum all. I am Miss Afshan from Little Master Model School. I hope you all are fine and staying safe at home. Today we are going to start our new session with this online lecture. आज मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ क्लास टू का सेकेंड चैप्टर जिसका नाम है थ्री डिजिट नंबर्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ हंड्रेड. थ्री डिजिट की जो बेस होती है वो स्टार्ट होती है हंड्रेड से, यानी थ्री नंबर से. वी हैव 99 ब्लॉक्स. उन्होंने हमें यहाँ पर 99 ब्लॉक्स दिए हुए हैं. किस तरह एक रॉ में उन्होंने हमें 10 ब्लॉक दिए हैं. जो 10 ब्लॉक होता है वो बराबर होता है 1/10 के. इसी तरह से उन्होंने हमें 9/10 दिए हैं. यहाँ पर उन्होंने हमें दिए हुए 9 यूनिट्स. जस्ट यूनिट्स एंड टेंस हमारे पास नहीं है. इफ़ वी ऐड वन मोर ब्लॉक वी गेट, अगर हम इसमें एक और ब्लॉक ऐड करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 9 यूनिट्स में अगर हम एक और ऐड करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास 1/10. 9/10 और 1/10 कितना हो जाएगा, 10/10 हो जाएगा. यूनिट हमारे पास उन्होंने कुछ भी नहीं दिया तो वो यूनिट हमारे पास क्या है, ज़ीरो. तो 10/10 ज़ीरो यूनिट्स इज इक्वल टू 100. 10/10 और ज़ीरो यूनिट्स होते हैं वो बराबर होता है 100 के. इसी तरह से उन्होंने हमें दिया हुआ है वी राइट 100 इन कॉलम्स लाइक दिस. हम जो 100 का कॉलम बनाते हैं हम कुछ इस तरह से बनाते हैं, सबसे पहले यूनिट, फिर टेंस, फिर 100. ज़ीरो ज़ीरो एंड 100 में 1. 10 कॉलम्स ऑफ टेंस मेक अ ब्लॉक ऑफ 100. 10 कॉलम्स का जो टेंस होता है, यानी 10 अगर हमारे पास टेंस होंगे तो वो मिलकर बनाता है 100. आप देख सकते हैं 10/10 कितना बराबर हो गया 100 के. अब पेज नंबर 9 पे आ जाएं. नंबर्स फ्रॉम 101 to 999 तक, ये भी आपको थ्री डिजिट दिख रहे होंगे. काउंट एंड राइट हाउ मैनी. यहाँ पे इन्होंने आपको काउंटिंग दिए हुए 101 से लेकर 999 तक. आपने इसको काउंट करना है देन राइट करना है. सबसे पहले उन्होंने हमें ब्लॉक बता दिया ताकि हमारे काउंट करने में आसानी हो जाए. आप देख सकते हैं उन्होंने हमें दिया हुआ था 100 का ब्लॉक, तो ये हमारे पास कितना है 100. 100 और 1 कितना हो गया 101. 104. अब क्या करेंगे आप, सबसे पहले 104. इसी तरह से आप पहले यूनिट, 10 और 100 में अलग अलग लिखेंगे, फिर इनको एक नंबर बनाएंगे लाइक दिस. देन उसके बाद आप इनको वर्ड में कन्वर्ट कर देंगे 104. इसी तरह से आपने पेज कंप्लीट करना है. सेम वही चीज़ इन्होंने आपको पेज नंबर 10 पे दी हुई है, यही आपको काउंट करना है एंड देन राइट करना है. इसी तरह से आप पेज नंबर 11 पे आ जाएं. काउंट एंड राइट हाउ मनी. इसको भी आपने सेम वैसे के वैसे ही करना है. सबसे पहले उन्होंने दिया हुआ वहाँ पे थ्री डिजिट ही है लेकिन 100 से अबव है. 200, 300 एंड 400 इसमें काउंट होंगे. जस्ट लाइक 100, 200, 300, 310, 20, 30, 31, 2, 3, 4, 5, 6, 7. कितना हो गया 337. सबसे पहले आप लिखेंगे 337. यूनिट में 7, 10 में 3, 100 में 3. अब आप इसको एक नंबर बना देंगे 337. इसी तरह से आप इसको लिखेंगे 337. सेम आपने ये पेज कंप्लीट करना है. इसी तरह आपने पेज नंबर 12 को भी कंप्लीट करना है. हाउ मनी दिस, पहले को आपने काउंट करना है देन राइट करना है. पेज नंबर आप 13 पे आ जाएं. राइट इन फिगर्स एंड वर्ड्स द नंबर स्टेटस. सबसे पहले आपने क्या करना है, जो आपको फिगर दी हुई है इन सबके पहले नंबर निकालने. किस तरह, सबसे पहले उन्होंने दिया हुआ यूनिट, टेंस और 100. जब हम यूनिट, टेंस और 100 को लिखते हैं तो किस तरह से लिखते हैं, दूसरी आप फिगर देख सकते हैं. सबसे पहले क्या हमारे पास 3, 1 एंड 5. हमारे पास कितना हो गया ये 315. तो हम इसको आप कन्वर्ट कर देंगे वर्ड्स में 315. सबसे पहले आपने इसकी फिगर जो है उसको कन्वर्ट करना है नंबर में देन राइट करना है वर्ड्स में. सेम वही पेज इसी तरह से जिस तरह से मैंने आपको बताया एग्जांपल, उसी तरह से आपने इसको फिल करना है. पेज नंबर 14 पे देखें. राइट इन 100 टेंस एंड यूनिट्स देन राइट इन एक्सपेंडेड फॉर्म.
सबसे पहले आपने इसको कन्वर्ट करना है यूनिट टेंस एंड हंड्रेड में, देन उसको आपने एक्सपेंड बनाना है, एक्सपेंडेड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। कैसे? सबसे पहले आप क्या करेंगे, सेवन सेवन हमारे पास क्या है, यूनिट टेन हंड्रेड किसकी जगह है, हंड्रेड। यूनिट टेन, फाइव हमारे पास क्या है, टेंस, और सिक्स क्या हमारे पास, यूनिट। अब आपने पहले इसको कन्वर्ट किया यूनिट टेन और हंड्रेड में, अब इसको आप करेंगे एक्सपेंडमेंट। कैसे, सेवन हंड्रेड हमारे पास क्या है, सबसे पहले सेवन हंड्रेड नंबर में आप कन्वर्ट कर देंगे। उसके बाद क्या है हमारे पास, फाइव टेंस, फाइव टेंस का क्या होता है, फिफ्टी। सिक्स हमारे पास क्या है, यूनिट, तो यूनिट हमेशा अकेला होता है तो सिक्स का सिक्स आ जाएगा। सेम आपने यही पेज जिस तरह से मैंने आपको एक एग्जांपल दी हुई, इस तरह से आपने ये फिल करना है। नीचे देखिए, राइट द वैल्यू ऑफ द रिंग डिजिट। रिंग डिजिट का क्या है, जो वर्ड जो नंबर सर्कल हुआ है उस नंबर की आपने वैल्यूज़ लिखनी है। कैसे, यहाँ पर उन्होंने दिया हुआ था हमें नाइन, अब नाइन हमें कैसे पता चलेगा कौन सी वैल्यूज, तो आप क्या करेंगे अपने राइट हैंड से वैल्यूज स्टार्ट करेंगे, यूनिट टेन हंड्रेड। तो यूनिट और टेन, टेन हमारे पास क्या है, नाइन, तो नाइन टेंस लिख देंगे, और नाइन टेंस का क्या हो जाएगा, नाइन्टी। इसी तरह से उन्होंने हमें दिया हुआ है यूनिट टेन और हंड्रेड। सर्कल किस पे हुआ हुआ है, सेवन पे, सेवन किस नंबर पे आ रहा है, हंड्रेड पे, तो सेवन हंड्रेड, सेवन हंड्रेड का क्या होगा, और सेवन हंड्रेड। इसी तरह से आपने ये पेस्ट कंप्लीट करना है, ज़ीरो टेन यूनिट टेन हंड्रेड। अब एट हमारे किस नंबर पे आ रहा है, टेंस, नाइन टेंस का क्या हो जाएगा, और सॉरी एट टेंस का क्या हो जाएगा, एटी। इसी तरह से मैं यूनिट का आपको कंप्लीट बता देती हूँ, यूनिट टेन हंड्रेड, तो एट जो होता है आप लिखेंगे एट यूनिट्स और जस्ट एट, क्योंकि यूनिट हमेशा अकेला होता है। पेज नंबर आप 15 पे देख सकते हैं, पुट दिस नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर तो आपको पता ही होंगे, असेंडिंग ऑर्डर हमेशा स्टार्ट होते हैं छोटे नंबर से। नीचे दिया हुआ है पुट दिस नंबर इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, हमेशा बड़े नंबर से। इसी तरह से आपने ये कंप्लीट करना है इसको, सबसे पहले छोटा फिर देन बड़े नंबर से स्टार्ट करना है। नीचे दिया हुआ है राइट द नंबर डेट कम्स बिफोर आफ्टर एंड बिटवीन। बिफोर भी मैंने आपको दिया हुआ है, आफ्टर भी दिया हुआ है, एंड बिटवीन भी दिया हुआ है। बिफोर यानी पहले वाला नंबर, आफ्टर एंड बाद वाला नंबर, बिटवीन एंड बीच वाला नंबर। ये सब पेज आपने कंप्लीट करने अपनी बुक में है। ये मैं आपको दे रही हूँ असाइनमेंट नंबर आपका टू, क्लास टू का। सबसे पहले आपने करना क्या है, आपके पास होना चाहिए ब्लू कलर जो आप यूज़ करेंगे सिर्फ मैथ्स पे। आपने करना क्या है, सबसे पहले आप लाइन ड्रॉ करेंगे ब्लू कलर से। ब्लू कलर से जब लाइन ड्रॉ कर लेंगे, आप डेट्स वगैरह डालेंगे, अपना चैप्टर नाम लिखेंगे, उसका टाइटल पेज बनाएंगे, देन ये काम स्टार्ट करेंगे। आप जो काम स्टार्ट करेंगे वो एक पेज पे एक काम आना चाहिए, यानी एक क्वेश्चन आना चाहिए। सबसे पहले दिया हुआ है राइट द नंबर इन फिगर्स एंड वर्ड्स। सबसे पहले आपने इसको वर्ड्स में जो नंबर्स दिए हैं आपको इसमें कन्वर्ट करना है वर्ड्स में, 101 से लेकर 110 तक। मैंने एग्जांपल दे दिया 101, 102, इस तरह से आपने 103, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इस तरह से आपने कंप्लीट करना है इसको। इसी तरह से जैसे मैंने किया हुआ है, थोड़ा गैप देकर और नीट एंड क्लीन आपने अपनी राइटिंग में करना है। ब्लू कलर के अलावा कोई कलर यूज़ नहीं करेंगे आप इसमें, जस्ट इक्वल टू डालने में, लाइन ड्रॉ करने में, एवरीथिंग एग्जाम्पल डालने में, जो भी आप डालेंगे, इसके अलावा आपने कहीं ब्लू कलर यूज़ नहीं करना। सेकेंड क्वेश्चन है राइट इन वर्ड्स द नंबर स्टेटस। सबसे पहले आपने क्या करना है, नंबर्स 243 उन्होंने दिया हुआ है 243, तो 243 आप क्या करेंगे इसको वर्ड में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 243। इसी तरह से आप करेंगे 334, मैंने उसकी भी एग्जांपल दी हुई है, ये यहाँ से लेकर और 115 तक आपने कंप्लीट करनी है। इसी को भी 101 से लेकर 110 तक आपने कंप्लीट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट इन फिगर एंड वर्ड्स द नंबर डैट इज। सबसे पहले आपको क्या दिया हुआ है, नंबर दिया हुआ है 100, 4 टेंस, 4 यूनिट्स। आपने सबसे पहले क्या करना है, इन वर्ड्स को आपने जो नंबर हैं इन सबको एक मर्ज करना है, एक नंबर बनाना है। सबसे पहले हमारे पास क्या है, 144। इसी तरह मैंने आपको एग्जांपल दे दी, इसी तरह से मैंने आपको बुक में समझाया था, 144 हो गया। इसको आप कन्वर्ट कर देंगे वर्ड्स में, 144।
दूसरी एग्जाम्पल है 200, 3 tens, 2 units. अगर हम इसको मर्ज करके लिखेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 232 क्या बन जाएगा, 232. इसी तरह आप लिखेंगे 232. पीछे पेज पे देख सकते हैं, राइट दिस नंबर इन एक्सपेंडेड फॉर्म. एक्सपेंडेड फॉर्म मैंने आपको समझाया था, उसकी एक एग्जांपल दे दी है मैंने आपको, 340, 185, 246, 343, 688. सबसे पहले एग्जांपल क्या है 340 की, मैं आपको बता देती हूँ. आपने कन्वर्ट करना है यूनिट टेंस एंड हंड्रेड में, देन आपको एक्सपेंड बनाना है ताकि आपको आसानी हो जाए. सबसे पहले हमारे पास था 300, फिर है 4 tens, फिर है 0 units. 300 300 आ गया, 4 tens 4 tens का क्या हो जाएगा 40, 0 units, 0 हमेशा और यूनिट्स हमेशा अकेला होता है. राइट द वैल्यू ऑफ रिंग डिजिट. रिंग डिजिट मैंने आपको समझा दिया, रिंग डिजिट का क्या होगा, जो वैल्यूज़ रिंग में यानी सर्कल में होगी उसकी वैल्यूज़ लिखनी है. अगर वो टेंस में है तो टेंस, अगर यूनिट्स में है तो यूनिट्स, अगर हंड्रेड में है तो हंड्रेड. इसी तरह से मैंने आपको एग्जाम्पल दी हुई है 9 tens और 90. 9 tens का जब भी टेंस आता है आपको पता है 10 tens लिखते हैं, जब भी एक ही जीरो टेंस जब लिखेंगे उसमें एक ही जीरो आएगा और 100 की वैल्यू में 00. इसी तरह 7 दिया हुआ है, 700 और 700. राइट द नंबर डेट कम्स, मैंने आपको बता दिया है बिफोर आफ्टर एंड बिटवीन, पहले वाला नंबर, बाद वाला नंबर एंड बीच वाला नंबर. अब मैं आपको बता देती हूँ कि काम किस तरह से करना है. आप देख सकते हैं सबसे पहले चैप्टर का नाम, डेट वगैरह आपने डालनी है, देन एक क्वेश्चन लिखना है जैसे 101 से लेके 110 तक. एंड नीट एंड क्लीन राइटिंग में एक पेज पे ही एक आना चाहिए पूरा, 101 से लेके 110 तक. देन नेक्स्ट पेज पे आप करेंगे राइट द वर्ड्स इन नंबर डैट इज, ये वाला करेंगे आप नंबर डैट इज. आप देख सकते हैं एक रॉ में 100 की एक रॉ आ रही है, एंड की एक रॉ आ रही है, 30 जो भी नंबर्स हैं उन रॉ के वर्ड्स के नीचे हमेशा वर्ड आना चाहिए आप लोग का. इसी तरह से आप देख सकते हैं रिंग डिजिट उसकी, राइट द फिगर्स एंड वर्ड्स द नंबर डैट इज. जो नंबर डैट इज मैं आपको बता रही थी आपको किस तरह से करना है, सबसे पहले आपको ये फिगर दी हुई, आपने फिगर लिखनी, आपने ये सब अपने पेंसिल से ही करना है, कोई ब्लू कलर इस्तेमाल नहीं करना है. ब्लू कलर आपने जस्ट नंबर लिख सकते हैं, इक्वल टू डाल सकते हैं, लाइन ड्रॉ कर सकते हैं. आपने सबसे पहले नंबर मर्ज करना है, ये आपने लिखना है, उसके बाद नंबर मर्ज करना है, फिर देन वर्ड्स में कन्वर्ट करना है. आप देख सकते हैं किस तरह से इन्होंने क्या हुआ है, राइट द नंबर्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म. एक्सपेंडेड फॉर्म बनानी है, सबसे पहले 100 tens यूनिट्स लिखना है, देन उसको नंबर्स में कन्वर्ट कर देंगे. इसी तरह से मैं आपको बता दूं, राइट द वैल्यू ऑफ रिंग डिजिट. रिंग डिजिट की वैल्यूज इस तरह से लिखनी है कुछ, उसके बाद बिफोर आफ्टर एंड बिटवीन. उम्मीद करती हूँ आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आया होगा, बिटवीन आफ्टर एंड बिफोर रिंग डिजिट एंड फिगर्स एंड वर्ड्स. नीट एंड क्लीन राइटिंग में काम करके लाना है आप लोगों ने ये सब, एंड सबमिट करवाना है ट्यूसडे को, बुक वर्क भी और कॉपी वर्क भी. अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह.